फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस, कैसे हो आप? सो उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस लीग 2022 के 16 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है पर्थ कोचर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 26 दिसंबर को इंडिया टाइम के साथ 3:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। एक टीम पर्थ कोचर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो 5 मैच में से 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइस, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में पर्थ कोचर्स आगे चल रही है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच में। तो पहली टीम पर्थ कोचर्स की बात करें तो 5 मैच जीत के आ रही है, वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो गाइस, यहां पे दोनों टीमों का हेड टू हेड लगभग इक्वल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैच में। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो पर्थ कोचर्स का 70% है, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स का 80% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पर्थ कोचर्स का 167 है, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स का 162 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ कोचर्स का 229 है, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स का 188 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ कोचर्स का 127 है, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स का 130 है। दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैच में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी? सन्नी रहेगी, 30 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 34% रहेगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं पिच की ओर। इस पिच पे आज का मैच कैसा होगा? अगर फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग देखें तो 159 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पे अभी तक देखें तो टोटल 25 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफी जबरदस्त हुई है। पिच की सरफेस की बात करें तो इस पिच पे बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इस पे बैटिंग करने वाली टीम काफ़ी अच्छा रन स्कोर कर सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को यहाँ पर स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि यह पिच डिफेंडिंग पिच है। इस पिच पे जितने अभी भी मैच हुए हैं, अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। तो काफ़ी अच्छी पिच है, काफ़ी जबरदस्त मैच हो सकते हैं इस पिच पे। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। टीम पर्थ कोचर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें, नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है, स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बनाकर चल रही है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में काफ़ी जबरदस्त मैच होंगे, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा टक्कर दे सकते हैं इस मैच में। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पर्थ कोचर्स के की प्लेयर की बात करें तो जॉस इंग्लिश, एडम लीथ, एस्टन टर्नर, एरन हार्डी। वहीं दूसरी टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स के की प्लेयर की बात करें तो एडम होज, मैथ्यू शॉट, राशिद खान, क्रिस लिन, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।